और वही क्या हालचाल सबके, कैसे हैं सब लोग? बहुत बुरे हैं हम। क्या आपको पता है टोटल गेमिंग ज्ञान सूजन के साथ क्यों नहीं खेलते हैं? ये क्या बात करते हैं यार। टॉप वन यूट्यूबर की लिस्ट में गाइस टोटल गेमिंग का नाम आता है। फ्री फायर का नंबर वन यूट्यूबर गाइस टोटल गेमिंग है। बात करने के ज्ञान सूजन भाई की, गाइस इंडिया में सबसे पहला यूट्यूबर ग्रीना फ्री फायर का ज्ञान सूजन है। सबसे पहले लाइव स्ट्रीम फ्री फायर की ज्ञान सूजन ने की थी। टोटल गेमिंग गाइस चैनल का नाम है, जिस चैनल को ये बंदा चलाता है, इस बंदे का नाम गाइस अजय है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है गाइस, इस बंदे ने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है। ये प्लेयर गाइस पीसी में गेम खेलता है। बात करेंगे इस गेम प्ले की, तो गाइस ये वन टैप शॉट प्लेयर नहीं है गाइस, ओनली फनी गेम प्ले करता है ताकि गाइस बंदों को मजा आ सके। जब से गाइस इसने एक चैनल स्टार्ट किया तब से गाइस ये पीसी में गेम प्ले करता है। इस बंदे ने गाइस अपने चैनल का नाम टोटल गेमिंग इसलिए रखा ताकि गाइस पीसी में जितनी भी गेम प्ले होती है सभी गेमों को खेलना चाहता था। बट गाइस फ्री फायर से इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, गाइस फ्री फायर खेलता है। क्या बात है सर। बात करेंगे इस ज्ञान सूजन की, गाइस इसका पूरा नाम सूजन रॉय मिस्त्री है। ज्ञान सूजन भाई गाइस हमारे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1992 है। इन्होंने गाइस अपने चैनल का स्टार्टिंग गाइस फोन से की थी, गाइस फोन में वीडियो बनाते थे। बात करें गाइस इनके गेम प्ले की, शुरू से ही गाइस स्क्वाड में गेम प्ले करते हैं और गाइस इनका सोलो में गेम प्ले भी काफी ओपी है। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। जितने प्लेयर होते हैं उनकी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें होती हैं। बात करें गाइस हमारे अज्जू भाई की, ये गाइस एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ये गाइस अपनी जॉब को मेन मारते हैं, गाइस कैंडी पे अपने यूट्यूब को रखते हैं। दूसरी साइड गाइस बात करें ज्ञान भाई की, इनके घर के अराउंड गाइस 10 किलोमीटर के एरिया में गाइस एक न्यूज़पेपर की कंपनी जिसमें गाइस ये काम करते हैं। बट गाइस ये यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बात करें गाइस टोटल गेमिंग के बैकग्राउंड की, गाइस जिन्होंने अभी तक किसी भी यूट्यूबर के साथ कंट्रोवर्सी नहीं की है। इनका मानना है कि ये गेम है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। दूसरी साइड गाइस बात करें हमारे ज्ञान भाई की, गाइस ये दिल के बहुत अच्छे हैं, बट गाइस जो भी इनकी बात होती है सीधा मुंह पे बोल देते हैं और काफी जल्दी नाराज हो जाते हैं। इन्होंने गाइस काफी यूट्यूबरों के साथ गाइस कंट्रोवर्सी की है, लाइक सुदीप सरकार के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हो गई है, टू साइड गेमर के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हो गई है, बिलास गेमिंग के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हो गई है। बट गाइस एट द एंड गाइस बाद में गाइस इन्होंने प्यार से बात की और गाइस ये अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। चल चूट। टोटल गेमिंग ने गाइस अपने सारे फ्रेंडों को गाइस अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट किया, लाइक देसी गेमर और भी गाइस अपने फ्रेंडों को अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट किया है। जो प्लेयर गाइस इनका फ्रेंड बन जाता है और गाइस अच्छे से बात करते हैं उनको गाइस ये प्रमोट कर देते हैं। दूसरी साइड गाइस बात करें हमारे ज्ञान भाई की, फ्री फायर की कम्युनिटी में इन्होंने गाइस काफी अननोन यूट्यूबर को भी गाइस अच्छा सपोर्ट किया है। ये गाइस अपने फ्रेंड का चैनल तो प्रमोट करते ही थे, बट गाइस जो प्लेयर इनको नहीं जानता है, नॉन प्लेयर इनसे गाइस हेल्प मांगने आता था, ये चैनल को चेक करते थे गाइस वो बंदा डिजर्व करता है, तो गाइस उस बंदे को ये प्रमोट कर देते थे। आप गाइस मानोगे नहीं कि सबसे ज्यादा यूट्यूबर को गाइस हमारे ज्ञान भाई ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। बात करें इस अज्जू भाई की, गाइस इनका नेचर बिल्कुल हम्बल है, गाइस हर तरीके से गाइस सबके साथ ये बात करते हैं, जाते गाइस सभी प्लेयर को ये गाइस कुछ भी गलत बुरा नहीं बोलते हैं और यही कारण है कि गाइस आज इन्होंने गाइस इतनी ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर ली है। दूसरी तरफ बात करें ज्ञान भाई की, गाइस इनका दिल भी गाइस बिल्कुल साफ है, ये गाइस दिल के बिल्कुल अच्छे हैं, बट गाइस जहां भी गाइस इनको कुछ गलत लगता है गाइस मुंह पे बोल देते हैं, यही कारण है कि गाइस कुछ बंदे इनसे हेट करते हैं। जब गाइस ग्रीना फ्री फायर गेम आए थे तो गाइस ज्ञान भाई और गाइस अज्जू भाई के लगभग गाइस सेम सब्सक्राइबर थे, दोनों गाइस काफी अच्छी मेहनत करते थे, बट गाइस एकदम से अज्जू भाई के चैनल को गाइस बूस्ट मिल गया, गाइस उनके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। गाइस क्या आपको पता है ज्ञान भाई और अज्जू भाई गाइस साथ में भी खेले, यहाँ तक कि गाइस अज्जू भाई का नंबर गाइस ज्ञान भाई के पास है। अब गाइस क्या रीजन है कि गाइस अज्जू भाई गाइस ज्ञान गेमिंग के साथ बात नहीं करते, गाइस ज्ञान गेमिंग अज्जू भाई के साथ बात नहीं करते हैं? इसका गाइस मेन रीजन है ग्रीना फ्री फायर। ये क्या बात करते हैं। एक बार की बात है गाइस अज्जू भाई के गाइस 9 मिलियन सब्सक्राइबर थे और गाइस ज्ञान भाई के थोड़े कम सब्सक्राइबर थे। यहाँ पे गाइस ज्ञान भाई पहली बार फ्री फायर के टूर्नामेंट खेलने वाले थे, बट गाइस तभी अज्जू भाई ने भी गाइस फॉर्म को फिलअप कर दिया कि मैं भी टूर्नामेंट खेलूंगा। फिर क्या था गाइस, ग्रीना वालों ने गाइस ज्ञान गेमिंग को टूर्नामेंट नहीं खिलवाया क्योंकि उनके बहुत कम सब्सक्राइबर थे। यहाँ पर गाइस ज्ञान भाई ने इतनी सारी मेहनत की थी कि उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। यहाँ पर गाइस ज्ञान भाई को एक गलत फैमिली हुई, उनको लगा कि गाइस अज्जू भाई ने उनको टूर्नामेंट से निकाल दिया है, बट गाइस ये मेन मिस्टेक गाइस ग्रीना वालों थी, उन्होंने गाइस सब्सक्राइबरों को देख के जज किया था। ये गाइस मेन रीजन था गाइस अज्जू भाई और ज्ञान भाई के बीच में दरार आने का, बट गाइस अभी तक तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पर गाइस ज्ञान भाई ने अज्जू भाई को कुछ भी नहीं बोला था, बट गाइस एक रात की बात है गाइस ज्ञान भाई लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, यहाँ पे गाइस कुछ सब्सक्राइबर, जी हाँ दोस्तों गाइस कुछ टोटल गेमिंग के सब्सक्राइबर वहां आ जाते हैं और गाइस वहां पे स्पैम करने लगते हैं, अज्जू भाई प्रो है, अज्जू भाई तेरा बाप है, अज्जू भाई प्रो है।
मैंने कहीं आपको ज्ञान भाई के बिहेवियर के बारे में पहले बताया गया, ज्ञान भाई को जो भी गलत लगता है वो कोई सीधा मुंह पे बोल देते हैं। ज्ञान भाई किस काफी दुख में थे, गाइस वहां पे बंदे उस पे स्पैम कर रहे थे अज्जू भाई प्रो है, यही एक रीजन है गाइस यहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है टोटल गेमिंग वर्सेस ज्ञान गेमिंग। मैं गाइस आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप टोटल गेमिंग के फैन हो, ज्ञान गेमिंग के फैन हो, ये गाइस एक गेम है गाइस जिसको एंटरटेनमेंट के तरह लो। आप गाइस किसी को सपोर्ट नहीं करते हो गाइस, चलो कोई बात नहीं, बट गाइस किसी बंदे को बुरा भला मत बोलो। आपका गाइस जो भी फेवरेट यूट्यूबर है गाइस आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, बट गाइस कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं बोलता है गाइस मेरे अपोजिट वाले यूट्यूबर को आप स्पैम करो, गालियां लिखो, क्योंकि इस कम्युनिटी में सभी यूट्यूबर इकट्ठे रहेंगे तभी इस कम्युनिटी का फायदा है, वरना गाइस कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। अज्जू भाई ने इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए एक दिन एक डिस्कॉर्ड में गाइस ज्ञान गेमिंग को बुलाया, साथ में गाइस जॉन्टी भाई थे, बट गाइस ज्ञान गेमिंग को कुछ काम था गाइस वो ज्वाइन ना हो पाए और गाइस गुस्सा भी थे। अज्जू भाई ने काफी देर तक वेट किया बट गाइस ज्ञान भाई नहीं आए, से गाइस अज्जू भाई भी थोड़ा गुस्सा हो गए, बट गाइस उसी के नेक्स्ट दिन गाइस ज्ञान भाई ने भी अज्जू भाई से माफी मांग ली, बट गाइस यहां पे दोनों यूट्यूबर एक दूसरे से गुस्सा हो गए, गाइस अभी तक ये कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं हो पाई है। अरे बाबा उठा ले। इस टॉपिक पे जितनी कम बात की जाए उतनी अच्छी है। आप गाइस कमेंट में जरूर बताना गाइस आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है, टोटल गेमिंग या ज्ञान गेमिंग। एंड प्लीज गाइस किसी को हेट मत देना गाइस, आप सभी फ्री फायर के प्लेयर हो याद रखना। यदि गाइस आप किसी को पसंद नहीं करते गाइस आप उसकी स्ट्रीम पे मत जाओ या गाइस उसको भला बुरा बोलो, आप उससे बात ही मत करो। वीडियो पसंद है गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों।